जी नमस्ते, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो कल शिमला से घर पहुंचते धुंधली हो गई, इतनी भयंकर बारिश हुई शिमला में ना कि उसके बाद वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं लगा। और बाकी तो आज चल पड़े जी, फिर से हम और हम जा रहे हैं आज ठेउग, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। बोलते हैं कि सेल लगी है वहाँ पे, देखते हैं ज़रा सेल लगी है। तो एक तो आज कल डर लगता है ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बस बड़े बड़े ट्रॉले हैं सामने वही आ जाते हैं। बाकी तो आरव के पापा है, मैं इनके साथ जा रही हूँ और आरव स्कूल में है, तो 11 तो हमारे को घर में ही बज गए, अभी लेट जा रहे हैं। तो चलते हैं फिर, देखते हैं ज़रा। आज मौसम भी साफ है, कल तो मौसम घर से ही भयंकर वाला बना हुआ था। और अभी चलते, कल ना फ़ोन भी कुछ हैंग जैसा हो गया था, हैंग भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या दब गया इसमें कि आवाज़ ही नहीं आ रही थी किसी भी चीज़ की। मैंने 2-3 क्लिक ऐसी बनाई हुई है वीडियो की कि उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही है। और उसके बाद देखते हैं फिर, आज आ रही है इसमें आवाज़ की नहीं आ रही है, तो मैं देख लेती हूँ पहले। हाँ, इसमें आवाज़ तो आ रही है आज, पर मतलब कल आरफ की बुआ ने ठीक किया है, ये पिछले कल पता नहीं इसमें दब गया था कुछ फ़ोन में ना, तो मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया इसमें। और अभी फिर दिखाती हूँ मैं मौसम आपको, कितना साफ है मौसम, बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। में रश देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा रश है, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे, तो ऊपर जाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, देखते हैं आगे फिर। तो रश काफ़ी ज़्यादा है बाज़ार में, काफ़ी ज़्यादा रश है बाज़ार में, सेल लगी हुई है चारों चार। बहुत
सुरपे तोलिया सुरपे तोलिया सुरपे तोलिया सुरपे 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 भीड़ है और बाजार में चलना मुश्किल है। और बाकी हमने थोड़ा बहुत सामान लिया है, ये सब घर की ज़रूरतों के लिए, बाकी कुछ नहीं लिया है। और जहाँ पे मतलब टैटू ग्राउंड में ऊपर को दुकानें लगी है ना, वहाँ पे तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि रोड क्रॉस करनी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा कहीं नहीं है 100 की चीज प्यास में। रेट तो वैसे ही है, दुकान वाले ही रेट है, पर ये है कि मतलब वो होता है ना एक जिसके लिए बोलते है तो सब लोग आ रहे हैं ना, हमने भी सोचा हम भी चले, मतलब बोल के उसे अपनी भाषा दो बहाने पास फोनों की नहीं हो। ऐसा ही है, बाकी बहुत ज़्यादा रश था। तो बाकी मौसम भी आज साफ रहा, जैसे बारिश तो कल हुई ना, हे भगवान इतनी भयंकर बारिश हुई ना। जब हम थे हम कोई पाँच एक बजे थे शायद कल शाम को, तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई ना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तीन छाते थे हमारे पास ना, तीन छाते, उससे भी कोई काम नहीं हुआ। कपड़े तो पूरे भीग गए, घर में आके तो बुखार आया, और तो आज बीमार ही हो गया है, उसको बुखार और जुकाम हो गया है। मतलब फ़ोन कर रहा था अभी मासी के फ़ोन से कि मुँह में को दर्द हो रही है, सिर में भी हो रही है, बुखार भी है, जुकाम भी है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आ गए अब। आप देख सकते हैं ये है जीटीओ का एरिया, बाईपास एरिया। हाँ, बाईपास एरिया है। सॉरी मैंने थे का एरिया बोला। बाकी ये हमारे ड्राइवर साहब हैं जो बात बहुत कम करते हैं, गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस इनको इतना ज़्यादा है ना कि ये दूसरे के पास गाड़ी अपनी दे ही नहीं सकते। मैं कई दिनों से बोल रही हूँ इनको कि मैंने भी चलानी है, काफ़ी हो गया है, मैं भी काफ़ी मतलब 2019 से चला रही हूँ गाड़ी, मतलब मैं कभी चलाती नहीं हूँ, जब हम साथ होते हैं तो यही गाड़ी चलाते हैं, बाकी मैं तो ज़्यादा चलाती नहीं हूँ, तो कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, जब कभी इमरजेंसी होती है तो तब मैं चला लेती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और यही ड्राइवर हैं हमारे, हमारे को इनके साथ अच्छा लगता है ड्राइवर सफर करना हमारे को इनके साथ अच्छा लगता है। तो खुद तो फिर जब मैं बैठूंगी ना ड्राइवर सीट पे तो बोलते रहते यहाँ से ऐसा कर दिया, वहाँ से ऐसा कर दिया, बस यही काम चला जाता है इनका। बाकी मैं भी कम नहीं हूँ, जब ये क्या बोलते हैं चलाते हैं गाड़ी तो बोलते कि इतना इतनी बातें कर देती ना, पागल कर देती अगर नया ड्राइवर हो तो। ठियोग का और बगैन का कितना फ़र्क है ना यहाँ पे, और यहाँ पे हो रही है बारिश। ठियोग में मौसम बिल्कुल साफ था और यहाँ पे बारिश इतनी भयंकर वाली है ना, मतलब थोड़ी देर पहले हुई है शायद भयंकर वाली बारिश, अभी तो रुका हुआ है मौसम, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है।